नंबर एक, जो बच्चे बार बार पेशाब करते हैं उनको एक छुहारे में 250 मिलीलीटर पानी में उबाल कर रात को खिलाने से बार बार पेशाब आने का रोग ठीक हो जाता है। नंबर दो, जो इंसान ज़्यादा अड़क्को बैठता है उनकी पाचन क्रिया मजबूत होती है, साथ ही पैरों की नसों में ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और उकड़ू बैठने से पेट कम होने लगता है। नंबर तीन, अगर आपको जुकाम में सरदर्द हो रहा है तो गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पानी में कुछ समय पैरों को डुबोकर बैठ जाए, इससे आपको जुकाम और सरदर्द में आराम मिलता है। नंबर चार, अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो आप बकरी के दूध की धार लें, इससे 3-4 दिन तक लेने से आपको छाले ठीक हो जाते हैं। नंबर पाँच, खाना खाने के बाद सौंफ ज़रूर खानी चाहिए, इससे खाना जल्दी हजम हो जाता है। नंबर छः, नारियल तेल में नींबू रस मिलाकर लगाने से शरीर का रंग साफ होता है। नंबर सात, जो लोग लंबे समय तक नमक खा रहे हैं तो वो अभी से सावधान हो जाए, क्योंकि ये आगे चलकर आपकी किडनी को खराब कर सकता है। नंबर आठ, जो लोग अपने चेहरे पर चुकंदर का रस लगाते हैं उनकी त्वचा का रंग साफ होता है। आप इसको जूस के तौर पर भी पिए, इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती है और खून बनता है। नंबर नौ, रात को नाभि में जैतून का तेल उंगली भर कर डालने से आंखों की रोशनी तेज होती है और चेहरे पर चमक आती है। नंबर 10, जिन लोगों को पेट में पथरी है वह छाछ का सेवन करें, दिन में 4 से 5 बार करें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 11, जिन लोगों को खांसी जुकाम होता है वह चावल के सेवन नहीं करें, ये नुकसानदायक होता है। नंबर 12, हाँ, अगर आपको खांसी जुकाम है तो दूध घी का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपको बहुत नुकसान होता है। नंबर 13, जो औरतें मुल्तानी मिट्टी का सेवन करती है तो उनको खून की कमी हो जाती है और शरीर सफ़ेद पड़ने लगता है। नंबर 14, जो लोग रात के समय प्याज का सेवन करते हैं उनकी पाचन क्रिया खराब रहती है। नंबर 15, जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है उनको सौंफ बादाम को दरदरा पीस ले और मिश्री को बारीक पीस ले और मिक्स कर ले और रोजाना इसका सेवन करें, इससे आपको नज़र में फ़र्क तेज़ होने का नज़र आने लगेगी। नंबर 16, जो रोजाना दही का सेवन करता है उनको शरीर में ताकत आती है। नंबर 17, पानी जब भी पिए गुनगुना करके ही पिए, इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता। नंबर 18, एनी टाइम खाना खाने से शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, तो आप दिन में 2 से 2-3 बार ही खाना खाएं, ज़्यादा एनी टाइम कुछ भी चीज़ ना इस्तेमाल करें। नंबर 19, ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नंबर 20, जिन लोगों को गैस की दिक्कत रहती है तो अजवाइन, जीरा और काला नमक और मेथी दाना सबको दरदरा पाउडर बनाकर रख ले, खाना खाने के बाद पानी के साथ आधा चम्मच ये पाउडर ले, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नंबर 21, पालक का जूस पीने से वजन कम होता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 22, चाय के साथ हल्दी का सेवन करने से मौत हो जाती है, क्योंकि इन दोनों का मेल नहीं बैठता। नंबर 23, करेले का सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और त्वचा का रंग साफ होता है। नंबर 24, इलायची की चाय पीने से गैस नहीं बनती है। नंबर 25, खाना खाने के बाद थोड़ी सी काली मिर्च का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। नंबर 26, खाना बनाते वक्त उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी मिला ले, ऐसा करने से खाना स्वादिष्ट बनता है और उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। नंबर 27, आप दही बड़े बनाते हैं तो उसमें 1 चम्मच सूजी डाल दें, इससे दानेदार दही बड़े बनते हैं। नंबर 28, जो लोग आलू ज़्यादा खाते हैं उनके शरीर में मोटापा बनने लगता है, अंदर ही अंदर उनको चर्बी बढ़ने लगती है। नंबर 29,
जो औरतें पानी में नींबू डालकर पीती हैं उनके शरीर में ताकत मिलती है। नंबर 30, जो बच्चे सुबह स्कूल के लिए टिफ़िन में पराठे के साथ कोई भी फल ज़रूर दें, जैसे कि सेब, खीरा, अनार और फल भी दे सकते हैं। तो नंबर 31, जो औरतें तुलसी के पत्ते का रस मिलाकर पीती है उनको कोई बड़ी बीमारी छू नहीं पाती। नंबर 32, पानी में अदरक उबालकर पीने से शरीर में जमा हुआ खून पिघल जाता है। तो सर्दियों में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 33, दूध में मखाना खाने से दुबला पतला इंसान भी मोटा हो जाता है। नंबर 34, अमरूद को जलाकर खाने से खांसी ख़त्म हो जाती है और कफ में आराम मिलता है। नंबर 35, अंगूर खाने से पेट की समस्या नहीं होती है। आई हो आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये एक सामान्य जानकारी थी जो मैंने आप तक शेयर की है। तो हमारी टिप्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टिप्स अपने डॉक्टर के अनुसार ही फॉलो करें। कुछ ऐसी टिप्स थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है, वो आप बिना डॉक्टर के भी अनुसार फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।